हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू केटू के मोटो व्लॉग्स। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग रेट्रो क्रूजर बाइक के बारे में, जो बहुत जल्द इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है, जिसकी लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुकी है। और ये बाइक है कीवे की के लाइट क्रूजर, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सो अगर आपको कीवे की अपकमिंग रेट्रो क्रूजर बाइक के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @KTKMotoVlogs। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कीवे एक टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है, और अब ये इंडिया में अपनी पहली बाइक लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है के लाइट क्रूजर 500। और इस बाइक की लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुकी है, ये बाइक मई के महीने में ही मार्केट में लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, कीवे इटालियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेनेली के अंडर आती है, और बेसिकली कीवे के लाइट क्रूजर के अंदर 125cc का इंजन है, जो इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल है। उस बाइक के अंदर 125cc का इंजन है, लेकिन कीवे जिस क्रूजर बाइक को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाली है उसके अंदर हमें 125cc का इंजन देखने को नहीं मिलेगा। इस बाइक के अंदर 500cc का इंजन देखने को मिलेगा, जो बेनेली की 502C के अंदर है। और इस बाइक के डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक हार्ले डेविडसन से ही इंस्पायर्ड है। डिजाइन और स्टाइल के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर रेट्रो स्टाइल क्रूजर बॉबर स्टाइल देखने को मिलेगा। और ये जो पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये कीवे के ऑफिशियल्स की तरफ से ही है, जिसमें लिखा हुआ है कि ब्लॉक योर डेट, हंगेरियन सुपर मेसी अराइविंग इन इंडिया ऑन 17th of May 2022 इन मुंबई। यानी कि 17 मई को ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर बाइक के रियर सेक्शन को शोकेस किया गया है। और इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बाइक के अंदर डबल बैरल एग्जो सिस्टम दिया गया है और स्प्लिट सीट्स का सेटअप दिया गया है, रियर टायर हगर है, बाइक का रियर सेक्शन काफी स्लीक है। सो दोस्तों, इस बाइक के अंदर में 500cc का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो बेनेली की 502C के अंदर है, जिसकी मैक्सिमम पावर आउटपुट देखने को मिलेगी 17 BHP के आसपास, और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट होगी 46 Nm की विद 6-speed ट्रांसमिशन। कीवे की इस अपकमिंग क्रूजर बाइक की इंजन ट्यूनिंग हमें थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट के अंदर कुछ माइनर चेंजेस भी आ सकते हैं। और दोस्तों, काफी हद तक चांसेस ये भी हैं कि इस बाइक के अंदर हमें बेनेली की इंपेरियल 400 वाला 374cc का सिंगल सिलेंडर इंजन भी देखने को मिल सकता है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20.7 BHP के आसपास, और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 29 Nm की विद 5-speed ट्रांसमिशन। सो कीवे की इस अपकमिंग रेट्रो क्रूजर बाइक के अंदर हमें 500cc ट्विन सिलेंडर इंजन भी देखने को मिल सकता है, 374cc का सिंगल सिलेंडर इंजन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन डिजाइन और स्टाइल के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर में फ्रंट में रेट्रो स्टाइल वाली राउंड शेप्ड LED हेडलाइट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर LED DRLs भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बाइक काफी हद तक कीवे की के लाइट सीरीज से ही इंस्पायर्ड देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर लॉन्ग स्लैंग क्रूजर स्टांस देखने को मिलेगा, बाइक के अंदर काफी मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, साइड पैनल्स का डिजाइन काफी अच्छा होने वाला है, और शॉर्ट मडगार्ड देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर राउंड शेप्ड ही टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, फ्लैट टेल सेक्शन देखने को मिलेगा, स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल्स देखने को मिलेंगे, रियर टायर हगर भी देखने को मिलेगा। बाइक के हैंडल बार के बारे में अगर बात करें तो फ्लैट हैंडल बार देखने को मिलेगा, मिड सेट फुट पैक्स देखने को मिलेंगे, और कंफर्टेबल राइडिंग एरोनॉमिक्स देखने को मिलेंगे, यानी कि बाइक का राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल होने वाला है, जैसा हमें क्रूजर बाइक्स के अंदर देखने को मिलता है। प्राइस के बारे में अगर बात करें तो अगर इस बाइक के अंदर में 500cc ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है तो फिर इस बाइक का एक्चुअल प्राइस में 5 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस बाइक के अंदर बेनेली की इंपीरियर 400 वाला 374cc का इंजन देखने को मिलता है तो फिर इस बाइक का एक शोरूम प्राइस हमें 2 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। सो गाइस, कीवे फाइनली अपनी के लाइट क्रूजर बाइक को इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के साथ कम्पीट करेगी, जिसके अंदर हमें रेट्रो डिजाइन और स्टाइल देखने को मिलेगा, काफी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर होगा, और बाइक की सीट हाइट भी काफी लो होने वाली है, जैसे क्रूजर बाइक्स के अंदर देखने को मिलती है। और 17 मई को ये बाइक फाइनली इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। सो गाइस, आपको ये बाइक देखने में कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो बाइक अभी आप अपनी डिस्प्ले पे देख पा रहे हो उसके अंदर 125cc का इंजन है, लेकिन जो बाइक कीवे इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च करने वाली है उसके अंदर या तो हमें 374cc का इंजन देखने को मिलेगा या फिर 500cc का ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा। सो जो बाइक इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है उसका डिजाइन और स्टाइल कीवे की 125cc क्रूजर बाइक से ज्यादा मस्कुलर, ज्यादा हैवी देखने को मिलेगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।